कौन है वो टीवी एक्ट्रेसेस जो मचा रही हैं बॉलीवुड में धमाल? कैसे तय किया इन टीवी एक्ट्रेसेस ने टीवी शोज करने से लेकर फिल्मों तक का सफर? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए हर किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में कई लोग टीवी पर दिखने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन एक्टिंग की दुनिया में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने खूब मेहनत करते हुए बॉलीवुड में अपनी एक स्पेसिफिक जगह बनाई है। इनमें से कुछ अभिनेत्रियों ने छोटे पर्दे यानी टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर बड़े पर्दे तक पहुंची और आज सिनेमा की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की, लेकिन फिर देखते ही देखते उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में बना ली। बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले जिस एक्ट्रेस का नाम आता है वो है मरुनल ठाकुर। दरअसल मरुनल आज फिल्म जगत का जाना माना नाम बन चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया। बता दें कि मरुनल ने टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म लव सोनिया से कदम रखा। अभिनेत्री ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 में और जॉन अब्राहिम के साथ बाटला हाउस में भी नजर आई। इसके अलावा उन्हें फिल्म सीतारमम के लिए भी खूब प्यार मिला और इस तरह से आज एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद बात करें भूल भुलैया की फेम विद्या बालन की, तो बता दें कि विद्या बालन ने भी अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 90 के दशक के शो हम 5 में अहम किरदार निभाकर की थी, जिसके बाद वो एक बंगाली फिल्म में नजर आईं और फिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वहीं यामी गौतम ने टीवी सीरियल चांद के पार चलो और ये प्यार ना होगा कम से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत विक्की डोनर फिल्म से की। अभिनेत्री ने अपने दम पर आज इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली। फिल्म शिद्दत की वजह से चर्चा में बनी राधिका मदान ने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। मेरी आशिकी बस तुमसे ही मैं, जब राधिका काफी पॉपुलर हो गई थी तो उसी दौरान उन्होंने सीरियल छोड़कर फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। राधिका पटाखर, अंग्रेजी मीडियम, मर्द को दर्द नहीं होता जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी है और अब फील्स लाइक इश्क और रे नाम की वेब सीरीज में भी नजर आई। एकता कपूर के सीरियल कसम से मैं प्राची देसाई ने काफी ही पॉपुलैरिटी हासिल की थी। हालांकि साल 2008 में उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका काम लोगों को पसंद आने लगा और देखते ही देखते उन्हें लगातार कई फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। उन्होंने फिल्म जैसे कि वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई, तेरी मेरी कहानी, आई मी और मैं, एक विलन, साइलेंस में नजर आई थी। एक्ट्रेस साक्षी तन्वर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एकता कपूर के सीरियल कहानी घर घर की से कामयाबी हासिल करने वाली अभिनेत्री ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वहां भी पॉपुलर हो गई। उन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि वेब सीरीज में भी काम किया। सीरियल पवित्र रिश्ता तो आप सभी को याद होगा। अंकिता लोखंडे और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के इस सीरियल में लोगों ने इनके किरदार को बहुत पसंद किया था। सीरियल में काम करने के बाद अंकिता ने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा। अब तक अंकिता लोखंडे 2 फिल्म मणिकर्णिका और बागी 3 में सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुकी हैं। तो ये हैं कुछ टीवी एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने हार्डवर्क और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में जलवा बिखेर दिया। अब हर कोई इन एक्ट्रेसेस की एक्टिंग का कायल है। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।